Yes. The students of class 11th, कल चैप्टर पे स्टार्ट किया था नया फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट, जो कि आपका चैप्टर सोल्व पार्टनरशिप फॉर्म, जो इससे पहले था फाइनेंशियल स्टेटमेंट सोल्व पार्टनरशिप फॉर्म विदाउट एडजस्टमेंट, उससे नेक्स्ट चैप्टर है। इस चैप्टर में आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट साथ में एडजस्टमेंट भी दी होती है। कल हमने आपको बताया था कि कौन कौन सी एडजस्टमेंट कहाँ कहाँ पर शो की जाती है, बताने की बात हुई थी कि एडजस्टमेंट दो जगह आएगी, या तो ट्रेडिंग और पीएनएल के अंदर या बैलेंस शीट के अंदर। कौन सी एडजस्टमेंट ट्रेडिंग पीएनएल में कहाँ आएगी, कौन सी बैलेंस शीट में कहाँ आएगी, ये सब चर्चा हमारे ऊपर कल हो चुकी है। आज हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे इसका, और न्यूमेरिकल जो स्टार्ट कर रहे हैं इसका, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। पेज 10.19.67 क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये अकाउंट सना आपका कंबाइन होता है आपका, जैसे पहले बता था ट्रेडिंग और पीएनएल, और ये बनती है आपकी बैलेंस शीट। स्टार्ट हुआ क्वेश्चन नंबर 3। शुरू करते हैं, ध्यान देना। सबसे पहले क्वेश्चन में एज यूजुअल ये सब पहले कर दिया, पांच इंफॉर्मेशन शो कर दिया आपने, ओपनिंग स्टॉक, परचेज माइनस परचेज रिटर्न, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, क्लोजिंग स्टॉक और आपका कैपिटल। ये सारे एडजस्टमेंट जो है उसमें जहां से इंफॉर्मेशन से इंफॉर्मेशन शो कर दिया। अब क्वेश्चन शुरू होता है आपका, तो क्वेश्चन ऊपर इंफॉर्मेशन दे रखी है कि एडजस्टमेंट पड़ रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में देखा आउटस्टैंडिंग सैलरी है 18,000, तो क्वेश्चन पर टिक होगा, ऊपर सैलरी जिन जिन पर एडजस्टमेंट होती है उनके ऊपर क्वेश्चन ऊपर टिक कर लेते हैं। पहले एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग सैलरी की है, ऊपर क्वेश्चन सैलरी टिक कर दिया हमने, डेप्शन देखा मशीन भी टिक कर दिया मशीन के ऊपर, वेजेस आउटस्टैंडिंग टिक हो गया वेजेस के ऊपर, रेंट प्रीपेड ऊपर टिक हो गया रेंट के ऊपर, प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टिक हो गया कैपिटल के ऊपर, और क्लोज स्टॉक सेपरेट एडजस्टमेंट इसके उसमें कैटेगरी होता है। शुरू कर दें एक एक इनको मशीन क्वेश्चन जहां जहां शुरू होगी। सबसे पहले क्वेश्चन मशीन भी दे रखें, ये सर्किटी का है, नीचे इससे क्वेश्चन के अंदर अकाउंट के लिए। सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा आपकी मशीन बेसिक का आपको बता दें, मशीन दिया 6, मशीन की क्वेश्चन दे रखी है आपकी 4 लाख और डेप्शन दे रखा है इसमें 10%, तो मशीन भी क्वेश्चन में आगे 4 लाख, डेप्रिसिएशन क्वेश्चन 10%। हम आप दोनों जानते हैं, क्या बता दें आपको, एक बार खोल के देखो एडजस्टमेंट कहां कहां पर आती है। तो ये एडजस्टमेंट लिखवाया था मैंने आपको, ये एडजस्टमेंट क्वेश्चन में 2 बार आती है, एक प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में और बैलेंस शीट की असेट साइड में। सबसे पहले आती है प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, तो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट भरने शुरू हो, तो प्रॉफिट और लॉस डेबिट साइड में आ गया टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, मशीन भी क्वेश्चन में खोल है 4 लाख का 10% ये आ गया 4,000, ये आ गया प्रॉफिट लॉस का डेबिट साइड में, और बैलेंस शीट में रिलेटेड असेट्स में से माइनस कर दिया था, तो लिखा होगा एडजस्टमेंट में कि बैलेंस शीट में रिलेटेड असेट्स में से माइनस, तो बैलेंस शीट में से माइनस हो गया आपका डेप्रिसिएशन, ये माइनस हुआ 40,000 आउट ऑफ अमाउंट 43,60,000 इट्स योर मशीन। देन कैश एट बैंक
सिक्स साइड में, सिक्स साइड में आया कैश एट क्रेडिट अमाउंट क्वेश्चन दे देती है ए। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन कैश एट 50,000 ये भी सिक्स है कहां पर आती है ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट के अंदर रिलेटेड एक्सपेंस में इसको प्लस किया जाता है और बैलेंस शीट के अंदर ये लायबिलिटी साइड में शो की जाती है। तो पहले ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट में रिलेटेड एक्सपेंस में प्लस कर रहे हैं, तो प्लस कर दिया आपने इसको यहां पर प्लस आउटस्टैंडिंग वेजेस, ये क्वेश्चन में दे रखे हैं प्लस हो गया आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटर में आगे 1,05,000 और बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पर आ गया आउटस्टैंडिंग वेजेस 5,000। आई थिंक कोई दिक्कत की बात है नहीं, तो वेजेस आउटस्टैंडिंग ट्रेडिंग में प्लस होगी और बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पर आ गई। नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन देख रहे हैं आपका परचेस परचेस क्वेश्चन नंबर 8, स्टॉक ओपनिंग है 6,00,000, सन्डी डेटर्स 4,40,000 वह जिसमें देंगे इसमें सन्डी डेटर्स असेट साइड में आते हैं ये दर के क्वेश्चन में 4,40,000 देन डेटर्स के बाद क्वेश्चन में दर का बिल्स रिसीवेबल 290 ये भी एसेट्स है बिल्स रिसीवेबल ये क्वेश्चन में 2,90,000 असेट साइड में शो हो गया आगे चलते हैं जानते हैं कि प्रीपेड लिखा था मैंने आपको प्रीपेड एक्सपेंस कहां आते हैं ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट के अंदर रिलेटेड एक्सपेंस में से माइनस और बैलेंस शीट में असेट साइड में शो किए जाते हैं। रिपीट अगेन प्रीपेड ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट में रिलेटेड एक्सपेंस में से माइनस रिलेटेड एक्सपेंस में से माइनस और बैलेंस शीट के असेट साइड के अंदर तो माइनस हो गया प्रीपेड डेट ये क्वेश्चन दे रखा है 10,000 35,000 और बैलेंस शीट की असेट साइड में शो हो गया प्रीपेड डेट 10,000। नेक्स्ट पॉइंट कमीशन डेबिट साइड में दे रखा है 25,000 डेबिट साइड में आ गया कमीशन 25,000
जनरल एक्सपेंस यूनिफॉर्म कॉस्ट के बारे में आते हैं, जनरल एक्सपेंस को शुरू दे रखे 80 रुपए, सैलरी ये भी पीएनएल के बारे में आती है, पचास लाख इन पर एडजस्टमेंट। अच्छा आपने एक चीज देखी होगी, जितनी भी इंफॉर्मेशन पे एडजस्टमेंट है उन सबको हमने इनर कॉलम के अंदर शो किया है, और जिन पे नहीं है डायरेक्ट आउटर कॉलम के अंदर शो हुई है। सैलरी इस क्वेश्चन में दे रखिए 50,000, एडजस्टमेंट दे रखी है इसके ऊपर, एडजस्टमेंट में क्या बताया, आउटस्टैंडिंग सैलरी क्वेश्चन में दे रखी है, ये दे रखी है 45,000। आउटस्टैंडिंग सैलरी कहाँ आता है, ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट, जहां भी आउटस्टैंडिंग है उसके अंदर रिलेटेड एक्सपेंस में से उसको प्लस कर दिया, रिलेटेड एक्सपेंस में प्लस, आउटस्टैंडिंग सैलरी है तो सैलरी में प्लस हो जाएगा, तो सैलरी में प्लस कर दिया आपने आउटस्टैंडिंग सैलरी। यह है क्वेश्चन नंबर 45, आउटर में आगे 95,000। उसके बाद बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में शो किया गया है इसको, आउटस्टैंडिंग सैलरी 45,000। देन डेबिट साइड का कैपिटल क्वेश्चन देखिए 9,00,000, कैपिटल में एडजस्टमेंट है, नीचे बता रखा प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एडजस्टमेंट कल लिखाई थी आपको, कहा आती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आता है और बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल में इसको प्लस कर दिया जाता है। तो बैलेंस शीट की में कैपिटल में लायबिलिटी में कैपिटल प्लस और पीएनएल के डेबिट साइड में, तो डेबिट साइड में आ गया 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्वेश्चन देखिए 9,00,000, और ये दे रखा है 5%, ये आ गया 45,000। तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड और बैलेंस शीट में कैपिटल में प्लस हो गया इंटरेस्ट और कैपिटल 45,000। दिक्कत आई थिंक नहीं है, सिंपल ज्यादा क्वेश्चन। आगे चलिए सेल्स 16,00,000, सेल्स क्वेश्चन दे रखी है 16,00,000, देन सैलरी केबल्स 4,50,000 लायबिलिटी साइड के अंदर, सैलरी केबल्स लायबिलिटी साइड में 4,50,000, लास्ट डिस्पेंस इंफॉर्मेशन है इंटरेस्ट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव इनकम तो पीएनएल अकाउंट की क्रेडिट साइड में आगे बाय इंटरेस्ट रिसीव 30,000। क्लोजिंग स्टॉक कुछ बनाया है, क्लोजिंग स्टॉक कुछ में रखा है 8,00,000, लिखा हुआ लास्ट में स्टॉक 31 मार्च 2020 8,00,000, ये क्वेश्चन आपका क्लोजिंग स्टॉक है 8,00,000। क्लोजिंग स्टॉक सबसे पहले एडजस्टमेंट यही है, क्लोजिंग स्टॉक कहाँ कहाँ आता है, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में और बैलेंस शीट की असेट साइड के अंदर, तो क्लोजिंग स्टॉक ये आ गया 8,00,000 और बैलेंस शीट की असेट साइड में आ गया क्लोजिंग स्टॉक 8,00,000। सभी एडजस्टमेंट सभी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन आ चुकी है। अगर आपने क्वेश्चन में नोटिस किया हो तो आपने क्वेश्चन में एक चीज नोटिस करी होगी कि जितने भी इंफॉर्मेशन ऊपर ट्रायल बैलेंस में दे रखी थी वो सभी क्वेश्चन में एक बार आई है, और जितने भी एडजस्टमेंट दे रखी है वो सभी एडजस्टमेंट क्वेश्चन में दो बार शो की गई है। दो बार कहाँ कहाँ शो की गई है, जहां आपको कल मैंने लिखवाया था एडजस्टमेंट के बारे में वहीं पर ही शो की गई है। अब इस क्वेश्चन की क्लोजिंग होती है, क्लोजिंग के लिए सबसे पहले
और जिस भाग पहुंची आठवा, यहां से शेष भाग पहुंची सोलह, टोटल क्रेडिट साइड पर आया चौबीस, डेबिट साइड पर आठ ऑप्शन चौदह और एक पंद्रह, पंद्रह लाख पांच सत्तर करो, ये नहीं बचा एट लैख नाइनटी फाइव थाउजेंड, कहां बचा डेबिट साइड पे, तो डेबिट साइड यानी कि इस साइड पे टोटल दोनों तरफ से ट्वेंटी फोर लैख और ट्वेंटी फोर लैख। आपको याद होगा लास्ट चैप्टर के अंदर कि जो इंफॉर्मेशन आपकी डेबिट साइड पर बचती है वो आपकी कहलाती है ग्रॉस प्रॉफिट, तो ये जो बचा ये कहलाएगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट ये निकल के हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आया 8,95,000, बताया था आपको ग्रॉस प्रॉफिट हो चाहे ग्रॉस लॉस हो ये पीएल अकाउंट में शिफ्ट हो जाएगा, तो ये पीएल अकाउंट में शिफ्ट हो गया ग्रॉस प्रॉफिट ग्रुप 8,95,000 टोटल कलो क्रेडिट साइड पर। पांच पांच दस पांच पंद्रह पांच बीस की जीरो हाजिर लगे दो चार दो छह तीन नौ ग्यारह आठ उन्नीस उन्नीस और तेईस तेईस और नौ पच्चीस ये बच्चे डेबिट साइड पर 6,05,000 इस साइड, तो जैसे इधर ग्रॉस प्रॉफिट ये नेट प्रॉफिट, तो ये बच्चा आपका 6,05,000 रुपए का क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट। ट्रांसफर टू बैलेंस टोटल दोनों तरफ से 9,25,000 बता दे आपको नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में है कैपिटल में प्लस, और अगर नेट लॉस है कैपिटल में माइनस, तो कैपिटल के अंदर नेट प्रॉफिट कर दिया हमने प्लस, ये है 6,05,000। अब अगर क्वेश्चन हमारा ठीक होगा तो बैलेंस शीट जो है हमारी दोनों साइड में टैली हो जाएगी, टोटल अगर दोनों साइड पर पैंतालीस पचास पांच बीस पचास टोटल बैलेंस साइड का बीस लाख पचास हजार। अच्छा क्या चेक कर लेते हैं, नौ दस चार चौदह बीस पच्चीस पांच हासिल लगे दो तीन पांच एक छह चार दस बारह आठ बीस असेट्स बीस लाख पचास हजार, तो टोटल हमारा दोनों साइड के अंदर सेल आ गए नाइनटीन असेट्स, दैट मीन्स क्वेश्चन जो है आपका 100% करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद हमें खुद पता लग जाता है कि क्वेश्चन हमारा सही है या हमारा गलत है, अगर बैलेंस शीट टैली हो गई क्वेश्चन हमारा सही है, और अगर बैलेंस शीट टैली नहीं हुई तो क्वेश्चन जो है हमारा कहीं ना कहीं गलत है। तो ये आपका सॉल्यूशन था क्वेश्चन नंबर थर्ड, कल इसका और नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके।